वेलकम एवरीवन। सो आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट द सेशन टुडे? आज हम डिजाइन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, ना सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड, रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द डिजाइन्स? तो जब आप डिजाइन के बारे में सोचते हो, तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि डिजाइन करते कैसे हो, तो मन में क्या सोच आती है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? What is the thought process? What client? नीड्स What client needs? Or मैम, मेरे को लगता है कि मेरा डिजाइन ऐसे हो जो कि सिंपल भी हो, लेकिन इसके बावजूद इतने अट्रैक्टिव हो कि लोगों को लगे बस ये हमको लेना ही है। मैम, बस ये हमको लेना ही है। वेरी नाइस। और एक्स्ट्रा आपको लगता है कि जो डिजाइन मटेरियल अवेलेबल है, मैं उससे क्या क्रिएट कर सकती हूँ? अच्छा, तो आपके पास कुछ है, आप उससे क्या क्रिएट कर सकती हैं? यश श्वेता, मैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? और मैम कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट डिजाइन। इफेक्टिव डिजाइन। सो आईफोन सेज मेकिंग समथिंग यूनिक। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? क्या दिमाग में आता है जब डिजाइन करना होता है? तो ना, अभी मैं आपसे ना अपना नोटबुक और पेन लो, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू, आई एम गोइंग टू स्पीक आउट सम वर्ड्स। ओके, विधि सेज व्हाट इज द थीम। ओके, सो अभी एक एक अपने ना एक तुम्हें चीज बताऊंगी, तो तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसका रिजल्ट आएगा तो तुम्हें पता लगेगा कि अरे रियली दिस इज व्हाट। सो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी और आपने उसका उत्तर एक एक दो दो वर्ड में अपने पास लिखना है, भी शेयर नहीं करना, ठीक है? यू विल नॉट शेयर इट, ठीक है? डन है? नोटबुक पेन है सबके पास? नोटबुक पेन है। सो आई एम यस राइटिंग। अब लिखना, अ कलर, नेम द कलर, कोई ऐसा कलर जो हर क्लाइंट का फेवरेट होता है। जो हर क्लाइंट का फेवरेट है। लिख लिया? ओके, एनी वन मटीरियल इन पैकिंग, एक ऐसा मटीरियल पैकिंग का जो अगर लगाओ तो कभी फेल नहीं हो सकता, क्यों? तो पास हो ही जाना है, पसंद आ ही जाना है। क्लासी, मुझे बहुत क्लासी पैकिंग चाहिए। क्लासी क्या है आपके लिए? व्हाट इज क्लासी? व्हाट इज सोफिस्टिकेटेड, जिसको कहते हैं क्लासी, सोफिस्टिकेटेड पैकिंग चाहिए। प्लीज डोंट पुट इट ऑन योर चैट, अभी अपने नोटबुक में लिखो। क्या चीज बहुत क्लासी और सोफिस्टिकेटेड होती है? मुझे प्राइस इफेक्टिव सामान चाहिए। प्राइस इफेक्टिव, तो ये प्राइस इफेक्टिव क्या प्राइस है? मुझे प्राइस इफेक्टिव सामान चाहिए, ये प्राइस इफेक्टिव क्या प्राइस है? सो आई वॉन्ट टू हैव समथिंग विच इज वेरी यूनिक। यूनिक क्या है? जैसे अभी किसी ने बोला, जो देखा ना हो। ओके, अभी हम इकट्ठे नहीं बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे। तो आई विल आस्क मीनू अग्रवाल, अनम्यूट करें अपने आप को, फटाफट करना है हमको, जल्दी जल्दी, आज काफी काम करना है। आज मैंने आपको कुछ डिजाइन दिखाने हैं। मीनू, मीनू आई कैन सी यू, अनम्यूट करो अपने आप को। मीनू, सो मीनू को नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, सो मीनू, आपके लिए जो आपका कलर जो कभी फेल ना हो क्लाइंट का, वो क्या है? व्हाइट सो मीनू सेज व्हाइट। हाँ जी, अभी किसी ने लिखा था ब्लैक। हाँ जी, श्रुति, आपके लिए क्या है कलर विच विल नेवर फेल?
श्रुति, मैम मेरे क्लाइंट को रेड एंड गोल्ड बहुत पसंद आता है, तो पीच। रेड एंड गोल्ड बहुत पसंद आता है। मैम ऑफ ओके, व्हाइट एंड गोल्डन। ऑफ व्हाइट एंड गोल्ड नियति से कामिनी, आपके क्लाइंट क्लाइंट नहीं, आप मुझे एक वर्ड नहीं बताओ कि ये रंग फेल नहीं हो सकता। ब्लैक नहीं, एंड पिंक, व्हाइट मैम, ब्लैक एंड पिंक, व्हाइट एवरीवन। पिंक और लेवेंडर। पेस्टल्स मैम, ओके 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 ओके, पेस्टल्स। ओवर ओवर लेवेंडर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन मटेरियल विच कैन नेवर फेल। हाँ जी, राखी बांधो, फ्लावर्स, राखी, फ्लावर्स, राखी सेज फ्लावर्स कैन नेवर फेल, और बंचेस, फ्लावर्स मैम, सुरोस्ती एंड मोती, पर्ल्स, फ्लावर्स, पर्ल्स, व्हाइट पर्ल्स, पर्ल्स मैम, टिश्यू, सीशेल्स, गोल्डन पर्ल, पर्ल टिश्यू, क्रिस्टल, क्रिस्टल्स, शेल्स, ओके, क्रिस्टल्स, लाइट, फेरी लाइट्स, फेरी लाइट्स। ओके, अभी आगे आगे चल रहे हैं। क्लासी, दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड? आई सिंपल कैच एंड इन, क्लोज डेकोरेशन, आई कैच सिंपल इन एंड क्लोज डेकोरेशन, रूच डेकोरेशन। ओके, अभी सिंपल लेट्स ओवर लगता स्टार्ट। हो एक जो मोस्ट मिनट, ओवर लगता हो। नहीं, ऐसा किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा जो आप बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा, सो यू नीड टू बी मोर प्रिसाइज। ओके, मीनू क्या बोल रही हैं आप? पेस्टल कलर्स बहुत क्लासी लगते हैं और अच्छा, सिंपल एंड एक मिनट, क्लोवर बस 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 एक मिनट, डेकोरेशन मीनू कह रही है पेस्टल इज क्लासी। ओके, और कोई? मैम नॉट मिनिमलिस्टिक टू होना मच। एक मिनट, चाहिए, श्वेता त्याल एंड देन कामिनी। श्वेता, मैम मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक इज क्लासी। ओके कामिनी, मैम सेटल वर्क होना चाहिए, जैजी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जैजी नहीं होना चाहिए, जो लोग बहुत ज्यादा जैजी पॉट। नहीं, जैजी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जैजी? मैम कई दफे होता है कि बहुत ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा नहीं, भर, ऐसे नहीं, एक-एक वर्ड में आंसर करो, इतना 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 नहीं। हाँ मीनू, नहीं आप म्यूट हो जाओ थोड़ा। ओके, अभी आपने एक चीज देखी जब मैंने आपसे पूछा, यूनिक, व्हाट इज यूनिक? व्हाट इज यूनिक क्वेश्चन था ना, कि यूनिक जो देखा ना हो, क्या है जो सबसे अलग हो, जो जो कभी सबसे, देखा ना हो, तो क्या सबसे अलग है? क्या सबसे अलग यूनिक, है, विच वी क्रिएट विद आर ओन इमेजिनेशन। डेकोरेशन जो कभी किसी पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, कुछ यूनिक डेकोरेशन हाँ, तो यूनिक क्या है भाई? मैम, विच वी हैव क्रिएटेड बाय आर ओन विच व्हाट हैव यू इमेजिनेशन, क्रिएटेड, नाम तो बताओ ना, क्या चीज है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यूनिक है, तो अब यस कस्टमर को मैम, बोलो मेरी इमेजिनेशन यूनिक है, 2 रुपए भी नहीं देगा अपनी इमेजिनेशन के कोई चीजों मैम, के लिए। कोई अलग से मैं यही प्लेटर हो बोलती या हूँ कि मैं समथिंग इमेजिनेशन विच इज से बना दे रही डिजाइन हूँ वेरी तो ब्यूटीफुली, देखो, आपके पास में डिजाइन यूनिक शब्द का कोई परिभाषा नहीं है। आर यू गेटिंग इट? कुछ हम इमेजिन कर लें, कोई बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, और क्लाइंट हमें क्या बोलता है आके, कुछ कुछ यूनिक बना के दो, शो यूनिक मी बनाते समथिंग दो, यूनिक। शो यू समथिंग यूनिक, एंड यू डू नॉट हैव अ डेफिनेशन टू यूनिक। तो ये सोचो कि अगर आपको ये पता लग जाए व्हाट इज यूनिक फॉर दिस क्लाइंट, तो जीत है कि नहीं? है यस मैम। तो अब आप उसके लिए क्या करते हो कि दिस इज यूनिक फॉर दिस क्लाइंट, व्हाट डू यू डू फॉर दिस? उनसे थोड़ा ask what रिक्वेस्ट does he करके or मतलब she बताओ, want, what he wants, he or she wants, व्हाट ही और शी वांट्स। ओके, सो एक जना कोई भी जो नहीं जानते एक दूसरे को, उनसे काम करते हैं। कामिनी, कामिनी को भी छोड़ दो, कामिनी भी बहुत बतूकड़ी ही बातें बहुत करेगी अभी, रुको। नहीं मतलब मैं थोड़ा सा सिंसेयर बंदा चाहती हूँ जो लिख के रखा और जो जानता नहीं हो। रेशु, आपने ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बोले आपने लिखे हैं? हाँ जी मैम, ओके, सो आई एम स्पॉटलाइटिंग रेशु हियर एंड आई विल टेक अलोंग विद दैट सिमी पावा। सो लेट्स हैव रेशु हियर। सो रेशु, आई एम स्पॉटलाइटिंग यू यस मैम, एंड आई एम एडिंग सिम्मी पावा टू यू। आप लोग सिम्मी, हाँ जी, बाकी सब लोग मैम प्लीज म्यूट हो जाओ, बाकी सब म्यूट हो जाएं। सिम्मी, रेशु आपकी कस्टमर है। अब जी। आपको पता करना है कि रेशु के लिए क्या यूनिक है, और रेशु आपने खुद नहीं बताना कुछ भी, जो सिम्मी बोलेंगे बस वो बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। हाँ जी, बाकी सब लोग म्यूट कर ले प्लीज अपने आप को।
हाँ जी हाय रिशु। हेलो जी। हाँ जी रिशु, आप बताएं आपका क्या फंक्शन है और कब है और किसका फंक्शन? मम्मा का 80th बर्थडे। ओके, तो मम्मी क्या पहन रही हैं, मतलब वो क्या पसंद करती हैं? सूट पसंद करती हैं, और आप उनको क्या देना चाह रहे हो? पार्टी मोस्टली हैम्पर्स मतलब कुछ गिफ्ट भी देना चाह रहे हो या क्या क्या? रिटर्न गिफ्ट के लिए हैम्पर्स सोच रहे हैं, मतलब हाँ, गेस्ट के लिए गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए हैम्पर्स। ओके। सो आपका बजट क्या होगा? तो रेशो आप पहले कुछ क्या दिखाओ तो सरी। दिखाऊं मैम? नहीं, इनको बोलो ना कुछ दिखाओ तो सरी। हाँ कुछ दिखाओ तो सही। अच्छा हाँ, मैं आपको कुछ अपने आईपैड पे पिक्चर्स दिखाती हूँ, कुछ डिस्प्ले में है। अगर आपको इससे भी कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप बताएं आपको कैसा, आपका बजट क्या है और कोई कलर थीम है और आप क्या पसंद करते हो, मतलब एडिबल देना चाह रहे हो या कोई डेकोरेशन पीस देना चाह रहे हो? तो रेशो आप इनको बोलो, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप मुझे बताएंगे। आप मुझे सजेस्ट करो। आप अपना बजट बताओ, मैं आपको कुछ ना कुछ तो। 1000 से 1200 के बीच। ठीक है, तो आप आजकल वाइट मेटल में काफी चल रहा है, आप वो भी दे सकते हो, और उसका बॉक्स अच्छा होता है, उस पर से हम डेकोरेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जो बॉक्स की आउटर है उसके हिसाब से। और 80th बर्थडे आपकी मम्मी का, तो हम थोड़ा पेस्टल कलर में चाहेंगे। 1 मिनट, फिर और से मैं 1 मिनट। हाँ ओके, जी अब सारी ऑडियंस को चैट यूज करेगी ऑडियंस। जो सिमी ने अभी उनसे प्रश्न पूछे हैं उसमें रेशो की कोई टेस्ट है कि सिमी का टेस्ट है कि हम आपको पेस्टल दे रहे हैं, व्हाइट मेटल चल रहा है, इसमें किसका टेस्ट है? सिमी जरा चैट पढ़ो, चैट सुनो अपनी, हाँ जी हाँ जी, आपको किसका टेस्ट चाहिए? क्लाइंट का। रेशु का। तो अब रेशु से टेस्ट कैसे निकलवा सकती हैं आप? रेशु तो नहीं बता रही ना, बोल कह रही आप बताओ, ये करो वे करो, आपका बजट कितना है? अरे आप दिखाइए तो सर, ये बजट हम बता देंगे आपको कितना है। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट द क्लाइंट्स आर द सेम? हाँ जी बताएंगे कितने जने, मेरे को ये बताएं कि जो क्लाइंट है वो यही बोलता है ऐसे कि भाई आप दिखाओ तो सही, बजट की कोई बात नहीं। फिर आपने दिखाया, फिर वो कहता है मेरे इतने बजट है, मेरा ये है, मेरा वो है। हाँ, दे आर कंफ्यूज, सो आई फील दैट। अभी देखो मैं रेशु से बात करने लगी, करूँ रेशु से बात? तो रेशु की मम्मा का 80th बर्थडे है। रेशु आपकी मम्मा 80 ईयर्स की है? मुझे तो आप लग रही थी 35 ईयर्स की। आपकी मम्मा 80 ईयर्स की कैसे हो सकती है? यू लुक सो यंग, सो थैंक यू। ब्यूटिफुल। मुझे तो लगता है आपकी मम्मा 50 55 साल की होंगी, तो आपने तो 80 बोल के मुझे बड़ा चक्कर में डाल दिया है। थैंक यू मैम, आई थैंक यू सो मच। एम सो हैप्पी कि मेरे पास इतनी यंग लुकिंग क्लाइंट आई है। भाई तो आप क्या पार्टी वार्टी कर रहे हो मम्मा के लिए? हाँ जी मैम। तो आप मुझे ये बताओ मैं क्या ऐसा करूं कि आपकी पार्टी को 4 चांद लग जाए? कुछ ऐसे अच्छे से हैम्पर्स में सबको रिटर्न फेवर्स में देना चाहती बिल्कुल जी, मेरा तो उसका काम ही है। और रेशु जी मेरे को हूँ। सिर्फ आप ये बताओ आपकी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है? वेरी पेस्टल, मतलब बहुत वेरी, तो आपको भी पेस्टल मोव में, पसंद, मोव में पसंद, मोव बहुत लाइट मोव जैसा उनका फेवरेट कलर। उनका फेवरेट कलर है। तो आपको भी कलर मोव पसंद है कि आपको कोई और हाँ कलर पसंद है? जी हाँ जी, हाँ आपको पसंद भी है मुझे मोव भी। पसंद है, जी 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 तो अगर उनके फेवरेट कलर में गिफ्ट बनेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। जी मैम। तो आपने ये सोचे अगर कि मोव में क्या चीजें अच्छी लग सकती हैं, तो लेवेंडर कलर हुआ, हाँ सो लेवेंडर कलर हुआ, लेवेंडर। सो लेवेंडर आपको मालूम है ना फ्लावर होता है, उसका परफ्यूम बड़ा अच्छा बनता है। जी मैम हाँ, जी। सो आपका अगर वैसे भी विमेन का है, आपकी मम्मा का है, और माए तो बिल्कुल जिंदगी में खुशबुओं की तरह होती हैं, तो अपने गिफ्ट के अंदर अगर बिल्कुल खाने पीने की जगह पे परफ्यूम भी डाल दें तो कैसा रहेगा? आपको सब, आपको अच्छा लगेगा? बट मैम सब मिक्स है ना, जेंट्स लेडीज सब, मतलब फैमिली हैम्पर्स है, सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। हाँ, तो अगर अपने जैसे फैमिली है पर, तो अब भी तो आपके साथ मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी मम्मा के लिए कुछ ऐसा बने कि मम्मा तो हैप्पी हो ही हो और क्लाइंट्स को भी बड़ा यूनिक लगे। सो अगर हम लेवेंडर अरोमा डाल देते हैं जो कि रूम्स में बर्न होता है, राइट? यस तो अगर वो कर दें तो वो तो मेन और वुमेन और फैमिली मैम। सबके हाँ लिए हो सबके जाएगा, लिए वो चल कर दें? सकता है।
जी है ना। जी जी बिल्कुल अच्छा चल वो भी कर सकते सकते हैं। अच्छा अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि भाई अरोमा इन्फ्यूजर कौन बर्न करेगा या नहीं करेगा, तो अपने लेवेंडर पॉटपोरी भी डाल सकते हैं, अपने लेवेंडर ऊद के लिए भी पता कर सकते हैं, कोई इत्र आता हो तो वो भी कर सकते हैं। तो जी और अगर हम चाहें तो हम लेवेंडर कलर की पैकिंग भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू से, सिर्फ जी लेवेंडर के साथ में कोई और कलर डालें तो कैसा रहेगा? मे बी सिल्वर वाओ, आई थिंक सिल्वर विल बी सो नाइस। तो लेवेंडर सिल्वर को अपने ले लेते हैं। शाम की पार्टी है, यस मैम, रात की, और रूम में है कि हॉल में है, किसी होटल में कि गार्डन में कर रहे हो? तो मौसम बड़ा अच्छा हो होटेल गया ना, में, होटेल और में मैम। होटल में तो आपने डेकोर भी मैच कराया होना है। जी अभी तो नहीं, फिलहाल बस करा रही अभी अभी कराओगे जी। तो अपने ऐसे करते हैं, हैम्पर फाइनल करते हैं, और उसके बाद में आप डेकोर हैम्पर से भी ड्राइव कर सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं जी मैम। तो चलिए मैं ऐसे करती हूँ, नोटबुक और पेन लेती हूँ, और अभी ना कुछ चीजें अपने नोट करते हैं जो उसके साथ अच्छे लगे। मैंने आपके साथ ना कुछ ऐसा बनाना है जो कभी बनाया नहीं हो, तो इसलिए कुछ आप 10 मिनट तो आपको मुझे देने पड़ेंगे। इज इट ऑल राइट? यस बड़ी बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं बिल्कुल। देखिए लेवेंडर कलर के ना मुझे लैपिस के ना स्टोन मिल जाएंगे, मेरे को लेवेंडर कलर के फ्लावर भी आर्टिफिशियल मिल जाएंगे, मुझे लेवेंडर कलर के पेबल्स भी मिल जाएंगे, मैं लेवेंडर कलर की बीट्स को भी डाई करा सकती हूँ, मैं लेवेंडर कलर के ये जो टिश्यूज होते हैं या ऑर्गेन्जाज होते हैं उनको डाई वगैरह करा के बोज और रिबन्स भी क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। अब मुझे आप ये बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपने अगर शुरू से ही उसको अपने बजट से रिलेट कर ले तो अपना टाइम कम लगेगा, आपकी क्या राय है, ऐसे कर ले? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। है ना। तो जैसे अगर मैं अगेट लेती हूँ तो हमारा एक हैम्पर तकरीबन आप समझो कि अगेट का पीस ही आता है 800-900 रुपए में, हाँ तो जी हाँ लेवे जी जो मैम हैम्पर है वो 2000 से ऊपर चला जाना है। लेकिन अगर वही जी लुक, वैसी सुंदर लुक लेनी है लेकिन मैं उसको दूसरे स्टोन में या पेबल्स में कर देती हूँ तो वो 1000-1200 में हो जाएगा। अपने लिए क्या अप्रोप्रिएट है ये बताओ, क्या चाहते हो? स्टोन स्टोन चलेगा मैम, क्योंकि बल्क होगा हाँ तो तो 1000-1200 में हो जाए तो बहुत जी बढ़िया है जी ना, है ना, जी बहुत मैम बढ़िया जी। जी मैं अच्छा हम छोटा मोटा गेट डालने की कोशिश करेंगे, अगर हम खाना ज्यादा ना डालें तो, ढेरों ठीक ढेर अगर ना डालें उसको गिफ्टिंग की तरह ले, तो आपकी क्या राय है? कर सकते हैं मैम। तो मैं अगर आपका ऑर्डर बुक कर लूं और खाना आपको कल तक सजेस्ट करूं तो चलेगा? यस मैम ठीक तो लाइए एडवांस। डन मैम, मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का है ना, पक्का है ना। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी ऑर्डर तो बुक हो गया। हाँ जी कैसा रहा? सो बढ़िया सो मैंने यहाँ क्या मैम। किया, व्हाट डिड आई डू, टेल मी दैट, मैंने क्या किया? आपने उनको उनके अंदर से निकलवाया कि आप व्हाट डू यू वांट, मतलब मैंने। हाँ सिमी, इसे कहते हैं उनके शब्दों में, उनके मुंह में शब्द डालना। अच्छा इसे कहते हैं ओपन क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया, इस ढंग से प्रश्नों को बनाया कि उनको ये लग रहा था कि वो बात आ रही है, वो कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। तो मैंने उनसे क्या पूछा, उनकी मम्मा का फेवरेट रंग, अगर मैं कहती आपका क्या है, आप क्या बता रहे हो, आई किसके लिए, मम्मा के लिए, क्लाइंट कौन है, रेशु नहीं है, क्लाइंट उनकी मम्मा है, आपको नहीं पता है, इमोशनली अटैच्ड है वो उनसे। सो आप जिस समय बात कर रहे हो आपको आपके क्लाइंट की पल्स, डॉक्टर कैसे देखता है, पल्स देख के ना आपको बता देता है बीमारी, बताता है कि नहीं बताता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने डॉक्टर अपने क्लाइंट की पल्स को पकड़ना है। अभी आपको जब मैंने पूछा आपके क्लासिक कलर कौन से हैं, कोई रेड, कोई लेवेंडर, कोई पिंक, कोई व्हाइट, इसका मतलब आपकी जिंदगी में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वही आपके लिए राइट है। एम आई राइट? अब अगर हमारी सारी कॉन्वर्जेशन जो हमारी जिंदगी में राइट है वहां से चल रही है, तो आप कस्टमर की जिंदगी में वो राइट है या नहीं है इसे कभी जान नहीं सकेंगे। तो हमें अपने राइट को तो बंद बंद करना है। अगर आपको अपना राइट बताना है कि नो दिस इज राइट एंड वांट इट शुड बी डन, उसके लिए चाहिए ब्रांड, उसके लिए चाहिए साथ में डेटा, उसके लिए चाहिए साथ में प्रोवन। तो अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सोच लेना पहले फिर मुझे बताना कौन आंसर देगा। सो मैं ये चाहती हूँ अभी कि मेरा कस्टमर मुझे न, 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 कौन सा कलर बताऊं? ओके
मरून कलर के अंदर ही ऑर्डर दे, मतलब मैंने मरून ही बेचना है और मैंने मरून शनील ही बेचनी है और मैंने मरून शनील पे जरदोजी बेचनी है, ऐसा ही करती हूँ मैं। मेरा कस्टमर आने से पहले मैं मेरा माइंड मेकअप करती हूँ, मैंने कौन से चार डिजाइन पुश करने हैं और इस चार में से ही ऑर्डर लाना, कोई 10 डिजाइन नहीं दिखाने। आप लोग अपनी कम्युनिकेशन रेडी करो, 2 मिनट दे रही हूँ आपको, सोचो। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, अगर ये सीख लिया ना कोई कस्टमर जा नहीं सकता। मैंने मरून बेचना है, मरून शनील बेचनी है, शनील के साथ जरदोजी बेचनी है, तो मैं क्या कम्युनिकेशन करूंगी? आराम से सोच लो पहले और फिर जस्ट पुट इट ऑन योर चैट, हु वांट्स टू स्पीक, पुट इट ऑन द चैट, हु वांट्स टू स्पीक। हाँ जी हाँ जी, कौन तैयार है? हुज रेडी? नो बडी इज रेडी। वंश, वंश इज रेडी। वंश अरोड़ा, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। वंश, आई कांट सी यू। सॉरी या ऋतु हाँ अरोड़ा जी हेयर मैम। हाँ जी रितु, ओके यस रितु। मैम आई विल टेल दिस कलर इज गोइंग ऑन दिस सीजन अभी एंड आप कलर। बाकी बाकी सारे बताएंगे ये खरीदेंगे कि नहीं। रितु बता रही है कि ये क्या कह रही है। रितु बिल्कुल, हम आपके कस्टमर है सारे, जरा बेच दो हमें, आप बेच दो। चलो हाँ जी बेचो। यस मैम आई विल टेल दिस कलर इज गोइंग ऑन वेरी सुपर बेस इन दिस सीजन एंड दिस इज वेरी वाइब्रेंट कलर एंड यू कैन मिक्स एंड मैच दिस कलर विद योर ड्रेस। लाइक अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है, मैं करवा चौथ की अगर थाली भी बनाती हूँ मैरून कलर की अरे भैया मैरून तो कलर की थाली से मतलब नहीं है, मैं तो करवा मैरून कलर की पैकिंग बेचो वेडिंग की। हाँ कि ये कलर बहुत वाइब्रेंट है और बहुत हाउ मेनी फेस्टिव। सेज कि मैरून वेयर वाइब्रेंट है? सिमी सेज नहीं है वाइब्रेंट, सिमी सेज नहीं है वाइब्रेंट, नहीं बिका। और बोलो और कौन बेच रहा है? मैम इट्स इन मैं बोलूं, नाउ डेज ऐसे कहेंगे एक मिनट, मनमानी पहले बोलो तो पहले अपने पहले अपने पहले आउटफिट्स में किरण, यही कलर लिया है। लता जी, लता जी आपकी शक्ल नहीं दिख रही, पहले किरण तिवारी फिर लता जी, तब तक आप हेलो मेरा कैमरा एडजस्ट करो। हाँ जी किरण, मैम, हाँ आपकी जी बातें बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन मैं जो रेड कलर मैरून कलर बेच रही हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि रेड जो है लक्ष्मी का कलर है और इस घर में इससे शुभता आती है। इसके संग अगर जरी आप मिला देते हैं तो प्रॉस्पेरिटी और बढ़ जाती है और ये बहुत सुंदर लगेगा, गॉडी लुक आएगा, आपके जो क्लाइंट है वो इससे खुश हो जाएगा, या मतलब जो इसको भी आप गिफ्ट दे रहे हैं वो इम्प्रेस हो जाएगा भैया, इस हमारे तरीके यहाँ तो से। ना नहीं रेड कलर मर्डर का रंग है, खून हो गया तो ठा। मैम उत्तराखंड में तो, हमारे उत्तराखंड में तो अरे वह भैया शुभ हम माना जाता उत्तराखंड के थोड़ी हैं, हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो पंजाब से आ रहे हैं, उत्तराखंड के नहीं है। है मैम। रेड तो मैम चुनरी हमारे एक मिनट हमारे वन यहाँ मिनट, और पहन कौन बेच रहा है बोलो? हाँ जी लता बोलो, आप बेचो, चलो सेल करो। मैम इस सीजन में ये हमारे यहाँ लेटेस्ट चल रहा है, काफी आपके यहाँ क्लाइंट्स लेटेस्ट बहुत चलने से पसंद मैं क्या करते करूं? हैं। मुझे तो मेरे यहाँ लेटेस्ट चाहिए, आपका लेटेस्ट थोड़ी चाहिए। लुक एट द लैंग्वेज मैम यू आर मैम यूजिंग माइंडेड। यस विधि, मैम मैरून जो है कलर, एक तो सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि शनील जो है दैट इज बताएंगे वेरी नहीं, बताएंगे नहीं, क्लासिक। अभी बताओ, यस बताएंगे मैम नहीं, अभी बताओ। हाँ ये मैम ये शनील जो है ये एक बहुत ही क्लासी आपका क्लोथिंग है जो कि रेयरली पीपल यूज इन वेयरिंग एंड दिस इज स्पेशली फॉर डिजाइनिंग। भैया और मेरी तो जब उसके बाद शादी आप हुई थी तो आवर्स शनील का ही लहंगा आया था, तो ऐसा ना बोलो कि रेयरली पीपल यही यूज। मैम नहीं यही मैम यही चीज बतानी है कि जो पुराना टाइम था तब भी यही चलता था और आज भी ये वही भैया क्लासिकल मेरी चीज बेटी को की काम शादी कर रहा है, 24 साल की हो गई है, वो ट्रेडिशनल बोल पुराने जमाने सकते की चीजें नहीं लेगी, उसको लेटेस्ट चाहिए। मैम, ट्रेडिशनल बोल सकते हैं ओ मेरे बात सुनो, लेकिन देवियों, सारी देवियों मैम सज्जनों, मैम देवियों आजकल तो सज्जनों। पिंक कलर की भी करवा चौथ की थाली लोग प्रेफर करने हाँ लग गए प्रियंका, वो हैं। तो कहती रहो वरुण वरुण कलर थोड़ी बेचना है। और यार मेरी बात सुनो, बेच रहे हो कि अपनी अपनी भाषाएं बता रहे हो सारे जने? मैम मैं बोलूं हाँ जी बोलो, मन की निकाल लो आज। हाँ जी मैम हाँ जी पहले अनिकेत, हम चार कलर का ऑप्शन देंगे कि भाई मेरे पास व्हाइट भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, पर आपको माय ओपिनियन इज कि आप ये शनील एक बार ट्राई आई करके डोंट केयर देखिए। अबाउट योर ओपिनियन, आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो यू कैन लुक एट दीज फोर कलर्स देन बट बट हाउ विल आई चूज मरून? I'll indicate towards that. You'll look at these four colors. इसमें सबसे vibrant आपको जो भी आपका जो product दे रहे हैं, आप जो gift दे रहे हैं, उसके साथ शनील match करेगा। तो आप उसके साथ इसको decorate करके उसमें आपको जरदोजी कैसे add पता मैं करेंगे। क्या प्रोडक्ट दे रही हूँ? आपसे बात ही नहीं हुई अभी तो मेरी। सी आई अच्छा एम बीइंग बात वेरी डिफिकल्ट विद ऑल ऑफ यू, आई नो दैट, एंड आई That's एम वेरी okay. डिफिकल्ट। अब जैसे शनील वेडिंग की बहुत, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा से सोचो।
दोबारा से सोचो ऐसा क्या करोगे। मैम हम ऐसा तीन चार सैंपल्स बना मैम के रख पहले सकते हैं उनकी चॉइस, मरून कलर में, मरून एंड गोल्डन कलर, आप जो भी कॉम्बिनेशन में है आप चार पांच सैंपल बना के रखिए जो सिर्फ मरून ही कलर में हो, सो दैट जो आपका कस्टमर है आप उसको ऑप्शंस ही वही दिखाओ तो ऐसा कि भी वो तो हो उसी सकता है में कि अगर चूज उसने कर। मरून नहीं चाहिए होगा तो वो चला जाएगा कि तुम तो सारा कुछ मरून में ही बनाते हो, मैं भागा, आई डोंट वांट तब इट। मैम हम मैम उसको जैसे बोलेंगे कि आपने नहीं अभी उनकी उनकी चॉइस समझी, और उन पहले उनकी चॉइस समझेंगे हम, उन्हीं के मुंह से निकलवाएंगे मैरून और निकलवाओ ना फिर मेरे मुंह से निकलवाओ शेफाली, निकलवाओ, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, यही सिखा रही हूँ आपको मैं, दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू। ओके मैम अभी तो इतना तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैम आप कौन से फंक्शन के लिए करा रहे हैं पहले वो इंक्वायरी मैम करेंगे, मैम मेरी, कौन से फंक्शन मैम के लिए आपको कितनी करना है? बातें करती हो अंकिता मैडम, आप कैसी प्रोफेशनल हैं यार, मेरे को सीधे से पैकिंग दिखाओ ना, कौन से फंक्शन, क्या फंक्शन से क्या मतलब है। सो गाइस 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 लिसन टू मी, लिसन टू मी, हमने ना कभी भी क्लाइंट के आने से पहले अपनी कॉन्वर्जेशन को रेडी नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली इन्वेस्टिगेटेड अबाउट द क्लाइंट? हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो कि आपका क्लाइंट है क्या और है कौन? किया किसी ने बहुत खोदबीन? यही कारण है कि हम लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का काम करके सोचते हैं बड़ी फतेह फतेह कर ली फतेह, और कहते हैं हमारा बिजनेस तो बहुत गुड है, कि गुड से ग्रेट करना है कि नहीं करना है ये बताओ, कि गुड पे ही रखना है, गुड से ग्रेट करना है। हम पता है बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर पाते, हम बड़े खुश हो जाते हैं अपने छोटे से कि हमने 10 क्लाइंट कर लिए, 5 क्लाइंट कर लिए। द बिजनेस हैज अ ट्रमेंडस स्कोप टू ग्रो, ट्रमेंडस स्कोप टू ग्रो। अब मैं बताऊं मैंने मरून कैसे बेचा, मैंने बेचा, मैं आपको रियल लाइफ बता रही हूँ। कस्टमर का नाम बोलूंगी, अच्छा शालिनी उनकी बात कर रहे हो? पहले तो उन्होंने, कस्टमर ने बोला शालिनी मुझे बहुत ही क्लासी अंडरस्टेटेड पैकिंग चाहिए, दो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सामने, मेरे पास ये ब्रीफ आया था बस इतना कि उन्हें बहुत क्लासी अंडरस्टेटेड पैकिंग चाहिए। जो सामने वाले थे बॉयज साइड, ये लड़की वालों की बात बता रही हूँ, मैंने लड़की वालों से पहले बॉयज साइड को रिसर्च किया कि वो कौन है। बॉयज साइड में जो लड़के की मदर थी वो खुद आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, नोन फॉर गुड टेस्ट, वो कस्टमर मेरे पास नहीं था, पर मुझे ये पता था मेरी ये पैकिंग अगर अच्छी वहां पे जाती है तो वो कस्टमर मुझे जरूर मिलेगा। तो मैंने लड़की वालों का नहीं पहले पता किया, पहले मैंने ये पता करा कि लड़के वालों का टेस्ट कैसा है। कोर इंडियन थी, अगेन वेरी अंडरस्टेटेड, पैसा बहुत था पर दिखना नहीं चाहिए, तो मुझे ये मालूम था कि मुझे एक इंडियन टेस्ट तो वहां पर देना ही देना है, राइट? तो मैं पहले आपको वो डिजाइन दिखाती हूँ। आज मैंने स्मिता से भी कमिट किया था कि आई विल टॉक अबाउट डिजाइन एंड शो द डिजाइन टू यू पीपल, सो आई एम गोइंग टू शो दिस डिजाइन टू यू पीपल एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट गॉट ओरिजिनेटेड। तो मैंने ये डिसाइड करा, मुझे ये मालूम था अगर मैं कुछ ट्रेडिशनल दू, विंटर्स की वेडिंग थी, मरून कलर मुझे पता था कि अच्छा लगेगा, पर प्लेन मरून लेंगी कि नहीं लेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी, और उनका एक अंडरस्टेटेड, जो बहुत अवेयर होते हैं, जो बहुत यूरोप अमेरिका इन सगह पे घूम लिए होते हैं, उन्हें मेटल से ज्यादा वुड ग्रासेस इन सब का ज्यादा टेस्ट होता है। ये आपको ना हमेशा पता होना चाहिए कि जो लोग ट्रैवल करे हुए होते हैं उनके टेस्ट बड़े इंटरनेशनल हो जाते हैं, वो ट्रेडिशनल के अंदर भी बहुत क्वालिटी देखते हैं। सो आई डिजाइन दिस फॉर देम, मैंने उनके लिए ये बनाया और उन्हें ये बेचा। अब मैंने उन्हें बेचा कैसे, तो मैंने सबसे पहले ये वुडन पूरा फ्रेमवर्क बनवाया। फ्रेमवर्क बनवाने के बाद में एंड आई टोल्ड देम दिस इज सो अर्दी, दिस इज सो नाइस, जैसे कि ये मरून आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव क्रश सनील, अगर आप इसको ध्यान से देखें ये सस्ती नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ये डिजाइन आज से 10 साल पुराना है, ये आज भी बिक जाएगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा बताइए? हाँ ये आज भी बिक जाएगा, ये कम से कम 10 साल पुराना डिजाइन है। आई मेड दिस एंड वेन शी केम टू मी, तो ये वुडन था, मैंने उनसे बोला, कहने लगी शालिनी ट्रे की शेप पे कह रहा तो बहुत अच्छी है, ये इसमें नीचे गड्ढा बना हुआ है, जिस गड्ढे के अंदर ये कपड़ा है, ये कपड़ा ऊपर से नहीं लगा हुआ, इसके अंदर गड्ढा है। देन आई टोल्ड हर, आई सेड देखिए इट इज वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी वेरी अंडरस्टेटेड, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहता है कि हमारी बिटिया जो है सुहागन रहे, लॉन्ग लिव लाइफ हो,
हमारा जो सुहाग का रंग है दैट इज रेड, रेड इज टू ब्राइट, सो आई थिंक द मरून शुड गो। अच्छा, बड़ी रॉयल फैमिली थी, 100 करोड़ प्लस की शादी थी ये, तो उस समय जड़ाऊ फैशन में नहीं था जिस समय हमने ये बनाई थी उस वक्त। तो उनको वहां से कॉन्वर्जेशन ले जाके कि किस कलर का क्या मीनिंग है, किस कलर का क्या अभिप्राय है, व्हाई आर वी पुटिंग दिस जड़ाऊ, बिकॉज द वेडिंग वॉज हैपन इन ताज पैलेस में, कि हम इसमें एक रॉयल्टी की लुक दे सकते हैं, मेटल इज कमिंग अप लाइक दिस, दिस इज कमिंग अप लाइक दिस, दिस इज टेसल इज कमिंग लाइक दिस, और ये आप मुड़ाई की जो ये देख रहे हो, ये मुड़ाई किया हुआ है, ये जो हमारे रानी हारों में मुड़ाई होता है ये वो है, उसी वक्त पहले कोई नहीं करता था ये, और ये बहुत महंगे बने थे उस समय। सो ये करवा के जब उनको दिया और उनको ये बोला दैट ईच पीस विल बी लाइक अ ज्वेलरी व्हेन इट विल गो। सो आप ये सोचो कि एक बंदा कभी ये बोलेगा कि मेरी बेटी को आई डोंट ब्लेस हर विद अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हस्बैंड्स लाइफ, बोलेगा? 100% यस। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी दैट यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड? अभी एक और इंसिडेंट बताती हूँ आपको, फिर आप मुझे बताना आपने स्टोरी क्रिएट करके देनी है मुझे। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार सुनाई है ये स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो मैं किसी पंडित जी से मिली, उन पंडित जी ने मुझे बोला शालिनी ये जो जहाज होते हैं ना, जहाज शिप, ये दो चार अपने ऑफिस में गेट की तरफ करके रख लो तो बड़े सारे पैसे आएंगे, बड़े सारे कस्टमर आएंगे। तो मैंने सोचा एक जहाज क्यों लाना, मैं 5-6 खरीद लाई, सारे गेट की तरफ रख दें, बहुत सारे पैसे आएंगे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो जहाज बड़े महंगे थे, एक एक चीज 3,000 3,500 का पीस था। अब वो मेरे पास पड़े थे तो किसी का रोका हुआ, रोके के हैम्पर में मैंने वो शिप लगा दिया, बनाने वाले से पूछ लिया भैया शिप दे देगा? बोले दे दूंगा। बोले शालिनी जी आज तक कभी आपने हैम्पर के अंदर शिप देखे हैं? मैं कहती तभी तो यूनिक है, आपने नहीं देखे पर थॉट तो सुना, इसके पीछे थॉट क्या है? बोले क्या है? मैंने कहा आपके बच्चे जो हैं एक नए रिश्ते में बनने वाले हैं। मैंने कहा अब हम लोग 60 ईयर्स के ना, वो भी एक ही उम्र के हम थे। मैं कहा जी आपने वो पिक्चर देखी है पाकीज़ा? बोले कौन सी? मैंने कहा उसका गाना सुना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो। बोले हाँ शालिनी जी क्या गाना है? मैं कहा बस वो कह रही है चलने को, वो कह रहा है मैं तैयार हूँ। तो ये शिप इसी को तो इंडिकेट करता है, यहाँ पे एक हम लाइन लगाएंगे। 150 पीस का ऑर्डर किया मैंने, 150 पीसेस शिप बेचे। दिस इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, दिस इज जस्ट द कॉन्वर्जेशन, शब्दों में दुनिया है। श्वेता को बड़ी मजा आ रही है ना, शी इज एंजॉइंग इट थॉरली। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देयर नीड्स टू बी अ स्टोरी, देयर नीड एंड द स्टोरी विच इज एब्सोल्युटली फिट फॉर योर कस्टमर। अब आप कस्टमर को सुना रहे हैं जंगली स्टोरी तो कस्टमर है बड़ा सोफिस्टिकेटेड, कस्टमर को सुना रहे हैं हिंदी स्टोरी और कस्टमर है बड़ा यूरोपियन, तो यहाँ पे भी चीजें हो जाएंगी गड़बड़। हाँ जी क्या कहने का है? कुछ कुछ वैल्यू मिली आप लोगों को? डिड यू गेट एनी वैल्यू और नो? टेल मी दैट। यस मैम, एम ही मरा सा यस है। यस मैम, ये सब कमाल तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। लता ये सारी कमाल मेरी प्रेपरेशन का है। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपना कोई भी डिजाइन, ब्लिस बास्केट तो अपने शोरूम में ही बैठी है, राखी तुम्हारे पास भी घर में ही होगा, नियति आई डोंट नो, हैव अ डिजाइन इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेक 2 मिनट्स एंड थिंक ऑफ अ स्टोरी। ऑल ऑफ यू, आप सब पैक करो, 2 मिनट लो, अपने किसी एक कोई भी एक डिजाइन पे एक स्टोरी क्रिएट करो टू सेल। यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, जस्ट प्रिपेयर अ स्टोरी टू सेल एंड देन आई विल शो यू डिजाइन एंड मैनी स्टोरीज जिसके बेसिस पे वो बने। हाँ जी जो कोई रेडी हो तो बताओ, 2 जनों से सुन लेंगे। कौन बता रहा है? अ स्टोरी टू टेल, आपको मालूम है ना स्टोरी सेल्स, किस किस को पता है ये स्टोरी सेल्स? आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी आप प्रोडक्ट के पिक्चर्स रखते हैं कोई दम नहीं, स्टोरी सेल्स। जैसे ही मैं कोई डिजाइन क्रिएट करती हूँ या बनाती हूँ, मेरा बेटा उसको सबसे पहले एक नाम देता है, और जब हम उसे क्लाइंट को ऑफर करते हैं
तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, देखना चाहोगे आप लोग कैसे होती है? विल यू लाइक टू सी? अभी विल यू लाइक टू कम ऑन द जूम एंड शो व्हाई दैट नेम वाज कॉमन डन ऑन? विल यू लाइक टू कम? सो ना, तो मैं चीज जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है. सो लेट मी शो यू. कोई कोई अपनी स्टोरी तैयार करते रहना, पहले मैं अपनी स्टोरीज दिखा रही हूँ. एंड देन वी जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू हियर सो दैट आई कैन शो यू द डिजाइंस एंड देन द स्टोरीज अराउंड इट. सो मैंने मैग्निफिसेंस का इंस्टाग्राम खोला है. सो आज मैंने आपको डिजाइन, दिस इज आर लेटेस्ट डिजाइन. अभी हमने इसका एक पीस भी बेचा नहीं है, दिस इज लेटेस्ट. सो अभय इज विद मी, कैन दे कांट सी यू, 1 मिनट. सो कैन यू से, और आज आप मेरे बच्चे को ब्लेस करेंगे, है ना? दिस इज हाय अभय. सो मैंने जो मेरी गिफ्टिंग ब्रांड है दैट आई हैव गिवन इट टू माय सन, और मैं सिर्फ आप लोगों को कोच करती हूँ अब, और वो इस ब्रांड को संभाल रहा है. जितने भी नाम आप देख रहे हो वो सब इसने दिए हैं. डिजाइन हमने इकट्ठे किए हैं, बहुत सारी चीजें या मैंने अकेले की हैं. सो क्या थॉट है, प्लीज नोट डाउन. एंड कल हमारा एक और सेशन है, आप लोग अपने हर प्रोडक्ट का एक नाम देंगे, या असाइनमेंट आपकी ग्रुप में पोस्ट करिएगा, प्रोडक्ट पोस्ट करना, उसका नाम पोस्ट करना, उसके पीछे स्टोरी वॉइस नोट में देना. कौन कौन करेगा ये? हु ऑल विल डू दिस? जीत जाएगा वो क्लाइंट को विन करने में, ये मैं आपको बता दूं. सो कामिनी सिंह, हाय अभय. हाय कामिनी जी, सो हियर, सो दिस इज हियर. सो व्हाई, व्हाट इज इट? नाइस डायनाइसिस. नाउ व्हेन वी, एक्चुअली कॉल सो द होल डिजाइन लाइन हैज बीन डिजाइन ऑन द ग्रीक गॉड. आपने ये पत्ती देख रहे हो आप, ये ऑलिव ट्री की पत्ती है, जो कि अगर आप देखें उस समय वो लोग सर के ऊपर रीद पहनते थे. आपको मालूम है, आपने देखा है जूल, ये कौन सा राजा था वो, सीजर, सीजर, रोमन एम्पायर जितनी भी थी वो ये पहनते थे. सो हाँ, वहां से लिया है ये जो पैटर्न्स हैं, ये सारे ग्रीक पैटर्न्स हैं, तो यहाँ से इनका नाम दिया गया डायनोसिस, डायनाइसिस. मेरे को तो बोलना भी कम आता है यार, चलेगा. नाउ सी दिस लाइन, सेम लाइन का एक डिफरेंट कलर है एंड इट इज नेम्ड एज मेडो. व्हाई मेडो? फाइन लुक एट दिस. फाइन फ्लावर्स नाम से पता चलता है, स्पॉट्स के पास का कलर डाटा से. मैम अभी ये आवाज क्लियर नहीं है. हाँ ओके, जस्ट 1 मिनट. सो अभय प्लीज कम नियर हियर. ओके हाँ, जी, आप क्लियर हैं जी 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 तो ओके, व्हाई नाउ वी कैन चहक, व्हाई चहक? पेंटिंग देखिए. बर्ड्स आर देयर. हाँ जी, हाँ आगे हियर. उसके थ्रू इंस्पायर हुआ था. सो जितनी हाँ हमने कलरेशंस यूज करी वही यूज करी, जो हमने डेकोरेशन यूज करी, अगर आप देखेंगे सो दिस एक्चुअली इज आर टेक ऑन जो वीवर बर्ड होती है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है उसकी तरफ से, कि जहां पे वो अलग अलग चीजों को लेके बुनती है साथ में, एंड देन इट हैंग्स एक्चुअली लाइक दिस. सो द शेप इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट. So the word came chahak. There's a full story behind it. So let's go आगे. कौन That सा? Okay. was So आनंदम की origination. So this is वृंदावन, राधा वल्लभ जी का मंदिर है. लड़ाई मतलब नाराज हो गए थे वो लोग मेरे से कि मैंने इनकी फोटो खींची थी, इसलिए फॉर दैट. और वहां पर ये भगवान का श्रृंगार बन रहा था पिक्चर भी का. जस्ट 1 मिनट देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे बिकॉज उन्होंने बाद में मना कर दिया था. So, ये भगवान का श्रृंगार बन रहा था, यहां से ओरिजिनेट हुआ था. हमने एक डिजाइन लाइन बनाई थी आनंदम, जो भी इंस्टाग्राम पे नहीं है, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय हियर. ये जो श्रृंगार बन रहा है भगवान का, वहां से मार्बल को लेके वी मेड इट. नाउ विल गो फर्दर. दिस इज मेरी स्टूडेंट है, ये उसका डिजाइन है. एंड हियर एंड ये इट कम्स हियर, फ्यूज टू इंडिया. तो उसका नाम भी उसी तरह से दिया गया है, द नेबल वरदान. कहाँ है तो वाय वरदान?
फर्टिलिटी, जनरल ब्लूमिंग, हम अपना हिंदी का ही बोल रहे हैं, संस्कृत का बोल रहे हैं बता, एंड इट्स ऑल्सो सम सिमिलर वर्ड इन लैटिन एज वेल. सो भव्य, दिस इज भव्य. तो दिस होल लाइन ऑफ गणेश स्टैचू इज कॉल्ड भव्य. सो ये तो हमारे मैप में हम आ गए बीच में. एंड आई जस्ट शो यू सम डिजाइन लाइन विच वर वेरी प्लान्ड एंड देन डन योर योर एरम ऑरम. ये देखिए Which आप, means gold. ऑरम मीन्स गोल्ड. सो दिस डिजाइन वॉज डिजाइंड एंड इट वॉज अ वेरी इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल डिजाइन, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल डिजाइन. द शूट इज ऑल्सो डन. अब तो क्या, अब तो फोन में कैमरे बहुत अच्छे आ गए हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो. कासा ब्लांका, वाई कासा ब्लांका. अगर हम ओल्ड यूरोप को देखते हैं, सो कासाब्लांका जो था, एक जगह थी मोरक्को के अंदर, बहुत फेमस जगह थी, एंड इट वाज नोन एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरोप एंड एशिया. तो अगर आप डिजाइन लाइन को भी देखेंगे तो वैसा ही है, जहां पे हमने जो लेदर्स एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, इन जगहों पे बहुत यूज होते थे, वी हैव मिक्स्ड दोज विद द यूरोपियन सेंसिबिलिटीज ऑफ द वे द कलरेशंस हैव बीन यूज इन ग्लास. एंड जो आप इसके ऊपर फिर देख रहे हैं यहाँ पे, जो रियल बादाम जो है, अखरोट यूज किए गए हैं डेकोरेशन के लिए, दिस कम्स फ्रॉम द पर्शियन एम्पायर. जैसे हमारे यहाँ पे वरमाला पहनाई जाती है, वहां पे एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स की माला किसी की भी सेलिब्रेशन पे पहनाई जाती है. When we go or more ahead here, so each design has a name, each design has a story. Push, so then it is all created here. Bahar, it was done for a very big client. Vardhan, Bloom. So यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, जैसे आपका एक नाम है, आपका एक नाम है राखी, श्रुति, अंकिता, वंश, सिमी, सीमा, रुचिका, कल्पना, रितु, मनीषा, प्रियंका, बबिता, नियति, रेशु, कामिनी. अगर आपका ये नाम ना हो तो सेजल, आपका नाम ना हो तो शेफाली, आपका नाम ना हो तो आपका नाम ही आपकी पहचान है. आपके डिजाइन जो आप इतनी मेहनत से क्रिएट करते हैं उनकी क्या पहचान है, उनके पीछे क्या स्टोरी है? आप लोग के पीछे एक स्टोरी है कि नहीं है? हर एक की जिंदगी की एक कहानी है कि नहीं है? रुचिका, एवरीबॉडी, है कि नहीं एक स्टोरी? हाँ है ना. सो जो हम इतनी मेहनत से क्रिएट करते हैं, इतने बाजार जाते हैं, चीजें लेते हैं, इमोशनली चीजों को लेते हैं, आप बताओ देन व्हाई देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड दैट. स्टोरी सेल्स. जिस वक्त आप अपने कस्टमर को चीजें नहीं दिखाते हैं, स्टोरी बताते हैं, वो उस स्टोरी में इन्वॉल्व होता है बिल्कुल बच्चों की तरह, और वहां से वो आपको ऑर्डर करता है. अभी जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चीजें दिखा रही होती हूँ या कर रही होती हूँ, तो मोस्टली वो कहते हैं शालिनी मैम आप ये सामान कहाँ से लाई, शालिनी मैम आप वो सामान कहाँ से लाए, शालिनी मैम ये कैसे हुआ, ये वो कैसे हुआ. सो आई आस्क्ड अभय टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एवरी पैकर, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, कि नंबर वन उन्हें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं मिलता है, और कई बार मिलते हैं. मैंने लोगों को बोला तो वो ये कहते हैं कि वो ऑर्डर लेके डिच करते हैं, मीन्स अच्छा सामान नहीं देते. ऐसा हुआ है आपके साथ? दे सेज कि दे बुक ऑर्डर एंड मेनी टाइम दे डोंट गिव द राइट थिंग्स, वी डोंट नो. और हमारे मैप मीट में भी ग्रुप में आता रहता है ये फ्रॉड है, ये है. फिर एक कोऑर्डिनेटेड चीजों का मिलना, इकट्ठे होके चीजों का मिलना, वेर यू गेट द गुड. अगर आपके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरर से ही मिला दे तो कैसा रहेगा, कि यू मीट द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली. ओनली रुचिका है सेड यस, रुचिका मेरे को अलग से मैसेज करना, मैं आपको मिलवा मैम, इट दूंगी. विल बी यस अ ग्रेट मैम, हेल्प. बिल्कुल, इट है विल ना. बी अ ग्रेट हेल्प मैम. हाँ, तो यस बिकॉज तो अब मैं तो उस बिजनेस में से निकल चुकी हूँ, और अभय मेरी तरह काम नहीं करते हैं. सो आई रिक्वेस्टेड अभय, बल्कि हम एक हफ्ते से ये बात बहुत एग्रेसिवली चल रही है, कि मेरे साथ में कम से कम, नहीं तो कारीगर और सब मिला के 3,000 लोग काम किया है ऑल 23 ईयर्स के अंदर, कि अगर हम एक ग्रुप ऐसा क्रिएट कर लें जहां पे जिन्हें रेगुलर में सामान चाहिए होता है उसी ग्रुप के अंदर मैन्युफैक्चरर भी हो,
ताकि वो अपनी चीजों को जो होता है वो दिखा सके. तो वी आर ब्रिंगिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हमारा बीच के अंदर हमारा कोई कमीशन नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन दिस विल बिकम अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द पीपल हु विल बी डूइंग पैकिंग. और वही मैन्युफैक्चरर जो पक्का है कि जिनका काम गलत नहीं हो सकता, जिन्होंने हमारे साथ या तो काम किया है या कुछ किया है, उस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म. जब ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है, कैसे होता है, व्हाट्सएप जब बड़ा हो जाता है उसके बाद में जो उसका जो बिजनेस बनता है वो 10 साल बाद बनता है. व्हेन द बिजनेस बिकम्स टू बिग, यू गेट इट, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स. दूसरा पैकेट वाला ना बहुत कमजोर है उस। सो प्लीज, तो फॉर दैट हैव यू क्रिएटेड अ लिंक? ओके. सो अभय ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों के साथ में, इज गोइंग टू मेक अ ग्रुप. ऑलरेडी 3-4 मैन्युफैक्चरर से बात हो गई है, जो कि अपना सामान के हमें पिक्चर्स देंगे एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है कि उनका सामान गलत नहीं हो सकता है. आपके नंबर्स उनको शेयर कर दिए जाएंगे अगर आपको वो चीजें चाहिएंगी इन द बिगिनिंग, बिकॉज वी वॉन्ट थिंग्स टू बी फॉलोइंग. नो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा लॉन्ग रन के अंदर, देर विल नॉट बी, इसलिए तो नहीं है. सो जस्ट 1 मिनट, आई शेयर द. ओके ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर. हाँ नहीं, ओके. तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस लिंक विद यू पीपल. मैंने आपके साथ में ये ग्रुप लिंक शेयर किया है, थोड़े से लोगों के साथ में हम इसे करके देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कैसे होगा, मैं इतनी औरतों को कैसे झेलूंगा, वो लोग मुझसे 2 पीस मांगेंगी तो मैं कैसे करूंगा. तो मैंने उनसे ये बोला कि जो ये विमेन है वो मुझे जानती है, दे आर इन टू बिजनेस, लिंक इज नॉट वैलिड. आप दो, मैं इसमें डाल देती हूँ, अनलीश में डाल देती हूँ. 1 मिनट, अब मुझे और भी काम करना है भाई. आई विल पुट इट इन योर ग्रुप देयर. दोबारा डाला, अब देखो एक बार. ट्राई द न्यू लिंक जिसके लास्ट में HMR लगा हुआ है, वो वाला ट्राई करिए। ठीक करके देखो. अच्छा, हाँ 1 मिनट, मैं अनलीश का जो ग्रुप है, हाँ इट्स वर्किंग. 1 मिनट, मैंने ग्रुप में डाल दिया इसको. ओके, आई पुट इट इन द ग्रुप एंड मैं पहुंच रही हूँ, तो द लिंक इज वर्किंग. सो वी आर जस्ट ट्राइंग इट. इट हैज टू वर्क फॉर द मैन्युफैक्चरर आल्सो, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरर के लिए वर्क नहीं करेगा तो वो कभी भी सप्लाई नहीं करेगा. उसमें मेरा रोल, मैं बताऊं मैं क्या रख रही हूँ, बताऊं बताऊं सबको मैं क्या रख रही हूँ. मैंने इसको ये बोला कि इसके साथ में कुछ सजेस्टिव मटेरियल जरूर दिखाओ जिससे वो चीजें एक्सक्लूसिव बन सके, कि भाई अगर ये है इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते, सो दैट लॉट ऑफ डिजाइन आइडियाज वुड बी देयर. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ थिंग लाइक दिस? हाउ मेनी? सो मुझे लगता है कि इफ इट वर्क्स इट कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो मैं तो काम से चाहे रिटायर हो जाऊंगी तो मुझे याद करना सब जने कि ये चीज क्रिएट करके मैं हटी हूँ यहाँ से. ठीक है ना? मैम मैं ज्वाइन नहीं हो पाई हूँ, मैम आप तो कभी रिटायर मत होइए. करते हैं. मैम हमारे मेंटर बने रही. नहीं, मेंटरिंग तो मैं कर ही रही हूँ, ये तो मेरी ये इंडस्ट्री मेरी जान है. सो अपने अब इस थॉट के साथ में कि अभय का ये जो एफर्ट है आप लोगों के साथ में ये सक्सेसफुल हो, यू कैन से बाय. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू. थैंक यू, सो गॉड ब्लेस। हाँ, थैंक यू. तो आई टोल्ड हिम, थोड़ा सा पहले इनको लग रहा था कि वो खुद भी गिफ्टिंग में है तो हाउ विल इट वर्क. देन आई वी टॉक टू माय सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, दे अग्रीड, जिनसे इनको खुद भी वो हम लोग भी बाइंग करते हैं. सो लेट्स सी, करके देखते हैं क्या होता है कैसे होता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, डू यू वांट, हाँ सिमी कुछ कहना चाह रहे हो आप, बताओ. मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ अभी पिक्चर्स भेजी हैं, तो मैं हाँ आपके जी, साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। समथिंग डिफरेंट उन्होंने ऑनलाइन कहीं देखा है, पिन इंटरेस्ट पे देखा हुआ है। हाँ तो आप तो मेरे क्योंकि पास क्यों शेयर करना चाह रहे हो, जल्दी से बताओ. आप मुझे मैन्युफैक्चर का एड्रेस दे ही रहे हैं,
तो मैं अरे चाह मैं नहीं दे रही रही हूँ भाई, मेरा पुत्र रतन जो है ना वो करेगा, उनके साथ काम, उसने हूँ। बात की है, तो उसी ग्रुप में मैन्युफैक्चरर भी होगा जिस ग्रुप में आप होंगे, ताकि वो कहते हैं दे आर वेरी बिग होलसेलर्स, दे आर नॉट स्मॉल होलसेलर, दे आर वेरी बिग मैन्युफैक्चरर्स, दे आर नॉट होलसेलर, दे आर मैन्युफैक्चरर्स। तो वो ये कहते हैं कि इट नीड्स टू वर्क फॉर देम, तो वो किसी की कस्टमाइजेशन करके देंगे कि नहीं करके देंगे, ये मैंने, आई एम नॉट इन टू इट, आई थिंक अभय इट विल बी इन दैट ग्रुप, आप उनसे बात करना, मुझसे नहीं करो, मुझसे तो कॉन्वर्जेशन सीखो, मुझसे तो बिजनेस चलाना सीखिए आप, ठीक है, मुझसे और नहीं सीखो, आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू अभी रन से दिस हम ग्रुप। कहें तो अभी से कैसे बात कर उस सकते ग्रुप हैं में हम। है ना यार वो जो अच्छा प्रीति ठीक पैकिंग है का लिंक आपको दिया है, उसमें मैं नहीं हूँ, मैं ठीक है होंगी तो ठीक निकल जाऊंगी। कमिला, नॉट टू मी, दिस इज नॉट द टॉपिक टुडे, प्लीज। ठीक है तो मैम ठीक आप उस ग्रुप के अंदर ये सारी कॉन्वर्सेशन, अभी बात वापस आ जाओ, आज हम डिजाइन की कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट है आप अपने ही प्रोडक्ट का नाम लिखेंगी, उसके अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करेंगी और ग्रुप में डालेंगी, और अगर किसी ने वो नहीं किया तो वो कल नहीं आएगा। ही ना, मुस्कुरा दी एकदम से सुन के, वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ सुना और उसका एक्शन नहीं लिया तो मेरी जिंदगी में कुछ होएगा? आटे को गूंद के ही रोटी बननी है, आटा नहीं खाया जा सकता भाई। तो अगर इन इनका 99 रुपीज लिए, पूरे 99, 33 रुपीज का ये वन सेशन है, और मैं कहती हूँ सेशन से ज्यादा जिंदगी का टाइम है जो आप मुझे दे रही हैं यहाँ पे। कुछ और स्टोरीज सुनाऊँ, हाउ द माइंड वर्क्स? डू यू वॉन्ट टू? सो आई यस वॉन्ट टू शो यू हाउ आर स्टूडेंट्स वर्क, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, एंड टू मैप स्टूडेंट्स हु आर हियर, आई वॉन्ट टू शो, दिस इज मैप पिंटरेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए, ये मैप का पिंटरेस्ट है और इसमें सब स्टूडेंट्स के डिजाइन है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, जिन स्टूडेंट्स का हमें नाम पता था उनके नाम भी यहाँ पे डाले गए हैं। इफ आई पुट सेव्ड हियर एंड आई गो टू, ओके आई गो टू, लेट्स गो टू मास्टरफुल बास्केट्स, राइट। अब आप ये देखिए, एक स्टूडेंट जी को, प्लीज आप लोग अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हाउ स्टूडेंट्स हैज कंसेप्चुलाइज, दीज आर ऑल मैप स्टूडेंट्स वर्क। ये डिजाइन स्टूडेंट को मैंने दिखाया कि भाई ऐसे कपड़े को रोल करके डिजाइन बन सकता है। अब आपका थीम है फ्लूडिटी यानी बहाव, आप उसके साथ क्या बनाएंगे? फ्लूडिटी इज योर थीम, सो लुक एट हियर, दिस डिजाइन हैज बीन डन बाय रिचा गुप्ता, तो ये तंजानिया की स्टूडेंट है हमारी, दारे सलम से बिलोंग करती है, उन्होंने फ्लूडिटी को ये मीनिंग दिया कि उन्होंने पानी के रंग उठाए, उससे कपड़े का बहाव बनाया, और फिर उनके लिए पक्षी भी फ्लूडिट था तो उन्होंने वहां से इस डिजाइन को पिकअप करके बनाया। इसी तरह से अगर आप ये स्टूडेंट को देखें, उसने फ्लूडिटी कैसे क्रिएट की? थ्रू बीड्स, यहाँ पे हवा का झोंका, यहां से उसने फ्लूडिटी क्रिएट करी। उनको थीम दिया गया था कि आप थीम से बनाएं। ये जो स्टूडेंट है इसकी फ्लूडिटी इज रैप अराउंड, कि कहीं भी मैं किसी चीज को ले गई तो उसने वहां से बनाया। सो आप ये देखो, एक कॉन्वर्जेशन की कितनी कॉन्वर्जेशन निकली, किसी ने ये बनाया, किसी ने, आप लोग अगर जाएं, मैप एकेडमी का ये पिन है, और हम आगे आने वाले टाइम पे अपने स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स भी डालेंगे। अभी पिंटरेस्ट अलाउ नहीं करता इंडिया के अंदर प्रमोट करना, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पे, वी वांट टू, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, वी वांट टू हैव इट एज अ होल शोरूम, सो दीज आर ऑल आवर स्टूडेंट्स वर्क हियर नाउ, सो यू कैन चैलेंज योरसेल्फ, यू कैन चैलेंज, टेक अ वर्ड एंड देन थिंक कि इसको मैं कितनी तरह से इस चीजों को क्रिएट कर सकती हूँ। सृजन एक डिजाइन लाइन थी, मैं उसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगी, ऑलरेडी घंटा मैम पूरा हो। थोड़ा सृजन, चिंता का एक एक बंदर वाल करता मीनू प्लीज आप म्यूट ही रहो ना। तो सृजन जब डिजाइन हुआ तो वो डिजाइन हुआ आग की परिभाषा से बना, बर्ड ऑफ पैराडाइज, सो यू मस्ट लुक एट दीज थिंग्स। सो आई एम गोना शो यू कपल ऑफ मोर डिजाइंस जस्ट टू टेल यू हाउ द डिजाइन कम इन टू एग्जिस्टेंस विद योर क्लाइंट। मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्लाइंट को ध्यान से सुने, अगर क्लाइंट बोल नहीं रहा है तो
तो अपनी लैंग्वेज, अपने प्रश्नों को ऐसे डिजाइन करें कि वो बोले. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग? द क्लाइंट मस्ट स्पीक, लेकिन आप, आपको क्या पसंद है वो नहीं बताएगा. सो आपके क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म. क्या आप, व्हेन यू गो फॉर अ डिनर, डू यू गो टू ऑबेरॉयज और डू यू गो टू ताज? जब आप खाना खाती हैं, आपको डोसा पसंद है कि ये, वो ऐसी चीजों से बात करेगा आपसे. आप कपड़े खरीदते हैं, आपको कौन सा डिजाइनर पसंद है? अगर उसने बोला सब्यसाची, 1 मिनट का काम है, इंडियन ट्रेडिशनल रिच. अगर उसने आपको बोला भी अनामिका खन्ना, आपको इसी वक्त पता लगेगा इंट्रिकेट वर्क उसको पसंद है. अगर उसने बोला वरुण बहल, मीन शोशा पसंद है उसको. सो आपको, आप कुछ शब्द, कुछ चीजें लिख सकते हो, डिजाइनर्स के नाम उनको स्टडी करके लिख लो. आप उससे पूछो कि आपकी शादी किधर हो रही है, कौन सा आपका इवेंट है. इफ इट इज हैपनिंग इन अ फार्म हाउस समवेयर, दैट मीन्स फ्लैम्बॉयंट है क्लाइंट. फार्म हाउस का मतलब है इवेंट वाले आएंगे, उसका और खर्चा. हु इज डूइंग योर इवेंट? आपको पता होना चाहिए इवेंट वाले कौन है, कौन कितने पैसों का इवेंट करता है. अगर मुझे कोई बोलेगा दे आर डूइंग क्यू इवेंट, दे आर डूइंग रेड इवेंट, दे आर डूइंग टचवुड, मुझे इमीडिएटली पता है कि कितने करोड़ की शादी होगी है, बिकॉज मैंने उसको स्टडी किया हुआ है. आपने करा है? आप उससे पूछते भी नहीं हो कि तेरी शादी हो कहाँ रही है, आपको कैसे पता लगेगा? पता है, अब एक प्राइवेट बात बता दूं, किसी को बताओगे नहीं, प्रॉमिस, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं देती हूँ इन सब चीजों की. बता दूं, हमारे ऑफिस के बाहर में गार्ड था. लोग सोचते पता नहीं शालिनी ने गार्ड क्यों रखा हुआ है. जैसे ही कोई कस्टमर आता था, गार्ड इसलिए भी था क्योंकि बहुत महंगा सामान पैक होने आता था, मजाक की बात अलग है. मुझे अंदर हमेशा इंफॉर्मेशन आती थी वो कौन सी गाड़ी में आया है. इट्स अ मर्सिडीज, इट्स अ BMW, डज द क्लाइंट हैज अ PSO, क्या है, ड्राइवर है, सेल्फ ड्रिवन है, क्या है. मुझे उसकी गाड़ी से पता लग जाता था, वो चाहे मुझसे कितना भी बजट बजट सस्ता सस्ता कर रहा हो, कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं है. अगर पैसे हैं तो फिर शालिनी को ये पता है कि ऑफर कैसे बनानी और पिच कैसे करना है. सीखना है ना अपने, कल कल का टॉपिक है हमारा पिच, ऑफर बनानी सीखना है कि नहीं सीखना ऑफर बनानी. सो ये ऑफर बनेगी तब जब पीछे स्टोरी होएगी, तब ये ऑफर बनेगी कि क्लाइंट ऑलरेडी अपनी पसंद की चीज देख रहा है, या आप उसे वैसे दिखा रही हैं कि वो उसकी पसंद बन जाए. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे एक कस्टमर है शालनी, मैंने तो बड़ा क्लासी चाहिए था, पंजाबी कस्टमर है शालनी, मुझे तो बड़ा क्लासी चाहिए. अब मुझे पता है उसका क्लासी कोई ऑफ वाइट या कोई बेज कलर नहीं है, उसका ऑफ वाइट, उसके उसका क्लासी है हैप्पी कलर, रानी रंग. तो मुझे मालूम है उसको रानी रंग का गोटे वाला दिखाऊंगी, बड़ी खुश, हैप्पी क्लासी उनको मिल गया जब मुझे पता. अब उनकी जो थर्ड सगाई हुई वो ऐसी जगह पे हुई जो सच में बहुत क्लासी थे, वेरी वेरी क्लासी. अब मुझे ये भी पता था कि यार अगर मेरी ये पैकिंग रानी और गोटे वाली वहां पहुंच गई ना, तो वो कस्टमर तो मुझे कभी नहीं मिल सकता, नो वे. मैंने उन्हें प्योर वुड के कठौड़े, पहले जमाने में कठौड़े बोला जाता था, अचार बनता था, रॉ वुड के होते थे ये बने हुए, मैंने वो बनवाए और उसको बनवा के उसपे क्रोशे के रस्टी गोल्डन कलर के फ्लावर्स वगैरह लगा के एक पीस बनाया. चल नहीं, ये तो मैं कभी ना लेके जाऊंगी, क्या काले काले रंग के पुराने पुराने से ये लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है सारी फिटी फिटी चीजें हैं. मैं कहा जी ऐसा है, ये वो बहुत पसंद करेंगे. फिर मैं कहा ऐसा करो, बिल ना पे करना, ले जाओ, पैसे ना देना, पैसे लिफाफे में डाल के जमा करके रख देते हैं. अगर उन्होंने बोला नहीं पसंद आया, पैसे वापस. 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर था, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो ब्राइट चाहिए. तो मैं कहा चलो मिक्स मैच कर देते हैं. तो मैंने कुछ पीस वो दिए, कुछ उनकी चॉइस के दिए, कलर उसमें कॉमन डाल दिया. जब वो लड़के वालों के यहाँ बैठी हुई थी ना, वहीं से उनका फोन आ गया मेरे पास, शालिनी जो मेरे वाले पीस थे उन्होंने तो देखे भी नहीं, जो तूने भेजे उन्होंने रखते. बोला क्या शालिनी बेरीवाल के यहाँ से है? ये कब होता है? ये तब होता है जब आपको ये मालूम होता है कि ये सिर्फ आपके क्लाइंट का नहीं, उसके आगे किसके यहाँ जा रहा है. यू नीड टू आस्क योर क्लाइंट, आपके संबंधी कौन है, आपका फ्रेंड सर्कल कौन है, क्योंकि आपको ऑर्डर किसने देना है, आपके क्लाइंट ने दोबारा देना है कि नहीं देना है, जिनके यहाँ बटन है उन्होंने आपको ऑर्डर देना है. तो मैं तो पहले ही अश्योर कर रही हूँ कि वो जो है कस्टमर, जो उसके बटने वाला है, वो मेरा कस्टमर बन जाए. सो आई वॉन्ट टू अश्योर दैट. यस मिताली, वॉट क्वेश्चन डू यू हैव? जैसे कि आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि किसके वहां जाना है, तो ऐसा मेरे साथ एक बार ही हुआ था कि मैंने ट्राई किया था, मुझे पता चले हमारे यहाँ वो है,
बड़े अच्छे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर जीडीए है, और यहाँ से ट्रांसफर होकर जब और बड़ा हो आगे जाता है आगे प्रमोशन, आगे आगे छोटे में बात करेंगे थोड़ा। हाँ, हाँ तो उनको मैंने पूछा कि किसके वहां शादी हुई है, तो उन्होंने कहा शादी वाले दिन आपको पता चल जाएगा, आप तो इनवाइटेड है ही। तो देखो मैं बताऊं, बेताली किसके यहाँ शादी हुई है, ये ऐसा लग रहा है जैसे इंटेरोगेशन हो गई है ना। जैसे लेकिन जैसे मैं हाँ, उन्होंने कहा कि लोकल है, लव मैरिज है, तो फिर मैंने कहा कि मतलब कौन है, तो लोकल है तो मैं जानती हूँ कि मैं उनको जान रही थी, ऐसा नहीं कि वो फैमिलियर नहीं थी, वो जैसे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही थे, तो हम जैसे बात कर रहे होते हैं तो मैंने ऐसे पूछ लिया उनसे कि मतलब कौन है वो, क्वेश्चन क्या है मिताली, क्वेश्चन क्या है? तो वो बताना नहीं चाहते कई बार कि वो हाँ तो हो सक, हायर पोस्ट पे है तो नहीं तो बताना अब चाहते। ऐसा ऐसा सिर्फ तब होता है जब सगाई पक्की नहीं हो, जाता था उससे पहले नहीं होता। अगर सगाई पक्की नहीं होती और रोके की पैकिंग होती है तो वो बताना नहीं चाहते। लेकिन आपका पूछने का ढंग, सो पूछने का ढंग क्या है जी? आप तो यहाँ बैठी हैं, आपको तो जो अच्छा लग रहा है वो ले ही रही हैं, लेकिन पर्पज हमारा ये है कि आपका समधियाना जो है ना, उन्हें आपकी मनुहार अच्छी लगे, वो कहें वाह भाई वाह, वो कहें हमारी समधन बड़ी स्टाइलिश है, वो कहें हमारी समधन ने हमारी पसंद का ध्यान रखा है। तो आप भाई ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें उनकी पसंद की जरूर हो। अगर आप मुझे बता देंगी वो कौन है, तो हो सकता है मैं उन्हें पहले से जानती हूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी। दिस इज द वे यू आस्क। एक्चुअली तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे मेरी मम्मा पता क्या बोलती थी? लच्छेदार बातें। सो आपको सीखनी पड़ेंगी लच्छेदार बातें करनी, ठीक है ना? तो पैकर बोलते हैं शालिनी तो कूड़ा बेचती है, तो मैं कहती हूँ मैं कूड़ा नहीं बेचती, लोग कूड़ा खरीदते हैं। सिंपल। सो मैं आपको जल्दी से 5 मिनट में मैंने कमिट किया, कुछ डिजाइन दिखाऊंगी, सो लेट मी शो यू सम डिजाइन, बाकी हम कल करेंगे। नाउ दिस डिजाइन वॉज डन फॉर एयरटेल, नैना जी के लिए किया गया ये डिजाइन। ये जो आप पीछे प्लेट देख रहे हैं ये उनके लिए बनी। वेरी अंडरस्टेटेड शी इज, वेरी वेरी क्लासी, एंड शी वॉन्टेड मी टू डिजाइन समथिंग विच हैज नेवर बीन डन, जो आप कहते हो ना यूनिक। अब इसमें कहने को यूनिक क्या है, पेंटिंग होती है राजस्थान के अंदर, मार्बल होता है राजस्थान के अंदर, बंदिश का काम भी होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे ये रखा गया है। ये मरून कलर में पेंट होता है सारा, ऑल ऑफ यू नो दैट, मार्बल का। उसे मीने के अंदर फिरोजे में कराना, उसकी मैचिंग के ये टिकड़े बनवाने करने, एंड देन दिस डिजाइन वाज क्रिएटेड फॉर हर। इट वाज वन ऑफ द, कोई बहुत बिका नहीं ये डिजाइन क्योंकि भारी था, लेकिन इट वाज वेरी लव्ड बाय पीपल, पीपल लव्ड इट। नहीं या कोई कुछ कह, नहीं कोई कुछ कहना चाह रहा है? सो अब हम कल मिलेंगे, पहले ये मुझे बताओ आज की कॉन्वर्जेशन से आपने क्या लिया, टेल मी दैट। हाँ जी, आज की कॉन्वर्जेशन से आप क्या लेके जा रहे हो? स्टोरी बनाना है और लच्छेदार और बातें। लच्छेदार बातें। यस, श्रुति जो है हमारी स्टार स्टूडेंट है, शी इज इन पुणे। इनके हाथ की अगर आप ज्वेलरी बनी हुई देख लें फ्लावर्स की, बिल्कुल, और गोलगप्पे पैक करने में तो बिल्कुल चैंपियन है, पता नहीं इतनी जबरदस्त है कि पूछिए मत। शी डज ब्यूटीफुल वर्क, सो मे बी टुमारो इफ वी विल हैव टाइम, सो वी विल आस्क हर टू शो सम ऑफ हर वर्क। गिव नेम, यस वी हैव टू लर्न टू टॉक। हां जी बिल्कुल, बटरिंग बटरिंग टू द क्लाइंट, नो भूमि, दिस इज नॉट बटरिंग टू द क्लाइंट। हम क्लाइंट को बिल्कुल भी बटर नहीं करते हैं, नॉट एट ऑल। इसे कहते हैं ह्यूमरिंग द ईगो ऑफ द क्लाइंट, मीन्स जो क्लाइंट आपके पास में आता है, आपको ये मालूम है ना कि आपके पास आने से पहले पिंटरेस्ट पे जाता है और इंस्टाग्राम पे जाता है, उसके पास में आपके जैसे 200 हैं। सो हम क्लाइंट को समझ के उस भाषा में बात कर रहे हैं जो उसकी भाषा है, सो नो इश्यूज भूमि, नो इश्यूज देयर। सो ये जो शब्द है ना, इसी में दुनिया है पूरी। सो हम क्लाइंट को मिलके कहते हैं हाँ जी मेरा ये प्राइस है, बाकी आप लेंगे तो देख लेंगे, इसका मतलब क्या, आई एम रेडी टू लेसन माय प्राइस पहले ही। तो क्लाइंट पहले फिनिश। सो ये ना 1 घंटे के अंदर सारी कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकती है, इट टेक्स आर स्टूडेंट सो मेनी मंथ्स टू लर्न इट, सो मेनी मंथ्स टू प्रैक्टिस इट, तो भी नहीं होता है। आर यू एंजॉइंग, यस आर यू एंजॉइंग?
सो थैंक यू सो मच. तो कल हम करेंगे प्राइस एंकरिंग एंड टाइम एंकरिंग, दोनों से हम क्या सीखेंगे ये मैं आपको बता दूं. प्राइस एंकरिंग से हम सीखेंगे अपनी कमांडेड प्राइस लेना, जहां पे बार्गेनिंग स्कोप ही नहीं होगा, जहां पे क्लाइंट आपको बोलेगा ही नहीं सस्ता करने के लिए. और टाइम एंकरिंग हम करेंगे, मींस कि क्लाइंट हमें लास्ट मोमेंट के ऊपर ऑर्डर ना करे, क्लाइंट हमें ऑर्डर करे टाइम से. तो हम क्या कॉन्वर्जेशन करेंगे, क्या करेंगे ताकि क्लाइंट हमें टाइम से ऑर्डर करे, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का टाइम हो. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड आई विल रिक्वेस्ट मैप स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस कॉन्वर्जेशन. जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, प्लीज डू पोस्ट इन द ग्रुप. ये कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है. 6 महीने में इतनी चीजें नहीं सिखाई जा सकती, इट इज नॉट पॉसिबल. आप ऑलरेडी लोडेड हो काम से. सो डू कम टूमोरो टू लर्न दिस. ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच. मेरे को अपने व्यूज जरूर से ग्रुप में शेयर करिएगा. हाउ डू यू लाइक इट? एनी क्वेश्चंस यू हैव जो आपसे क्लाइंट पूछते हैं? कल हमारी लास्ट सेशन है, सो आई वुड लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू. थैंक यू.